एसडीएम गरौठा ने किसानों की चौपाल लगाकर समस्या सुनी। जी हां, खबर है यूपी के झांसी जिला के गुड़सराय थाना अंतर्गत परिषद में धीरेन्द्र प्रताप सिंह एसडीएम गरौठा सीओ मनीष चंद सोनकर ने किसानों की चौपाल लगाकर समस्याओं को सुना और निस्तारण भी किया। किसानों ने अपने मन की बात एसडीएम गरौठा को बताई। एसडीएम ने सभी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। वहीं पर किसान नेता जगराम सिंह अस्ता ने कहा कि पूर्व में किसानों ने अनशन किया था, तब से अब तक हमारे मोर्चे में पानी नहीं पहुँचा है और ना ही पानी पहुंचने की उम्मीद नजर आ रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि लाइट नहीं मिल रहा है, किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किसानों की फसल का समर्थन मूल्य पर गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। देखिए गुरसराय से सुनील जैन की यह रिपोर्ट। लाके देंगे गड़बड़ी के नाल में, लेकिन उसके बाद भी हमें नहीं लग रहा है कि अभी समस्या का हल हो पाएगा, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने ऐसे ही आश्वासन, इसके पूर्व आप भाई साहब अनशन पे भी बैठे हुए थे। मैं बैठा था, मेरे साथ और 8-10 लोग थे, सूरज माते भी थे, तो उसमें नहीं हुआ समाधान क्या? नहीं, कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ है और वो जहाँ का तहाँ वो समस्या वैसी ही पड़ी है। देखिए हम बता दें, लाइट प्रॉपर मिल नहीं रही है किसान को, किसान के चक्रोड पे कब्जे हो रहे हैं। इन सारी चीजों को लेके आज बुलाया गया था। समर्थन मूल्य की मैं बात बता दूं कि किसान 1450 रुपए में गेहूं बेच रहा है, जबकि शासन का 1925 रुपए रेट है। इधर मोदी और योगी जी कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करने वाले हैं, और हो ये रहा है कि 1450 रुपए में किसान को गेहूं बेचना पड़ रहा है। ये स्थितियां हैं, तो हम कैसे कहें कि किसान के साथ जास्ती नहीं हो रही है? निश्चित है किसान परेशान है और जास्ती हो रही है। इसी को लेके हम लोग आए थे, तो कई बार चीजों के बारे में बताया है। देखिए अब कितना समाधान होता है ये आगे बताएगा समय। किस संबंध में मीटिंग बुलाई गई थी? जो किसानों की छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो इसमें किसान इधर उधर टहल रहे हैं, कभी पानी की समस्या या चक्रोड की समस्या, नाली की समस्या, इस तरह छोटी छोटी समस्याएं हैं, तो एक प्लेटफार्म तरीके से बनाया गया कि मतलब थाने में जो उससे संबंधित जो किसान है यहाँ पे बुला के उनकी समस्या नोट कर ली जाए, और कोशिश ये रहे कि जो यथासंभव हो सके तुरंत समस्या समाधान कर दी जाए, और जो अगर तुरंत नहीं हो पाता है किसी डिपार्टमेंट से संबंधित है तो उस डिपार्टमेंट को बुला के उसको समाधान करवाया जा सके, जिससे उनको किसानों को भागना न पड़े।